कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे जहन से कभी नहीं उतरती। कुछ यादों के, कुछ मुलाकातों के किस्से ऐसे होते हैं जो कभी भूले नहीं भूलते। मैंने भी एक ऐसी कहानी सुनी है आज, तो सोचा आपको भी सुनाऊं। ये कहानी है कुछ मोहब्बतें जैसी, कुछ रांझे की हीर जैसी, कुछ लैला और मजनू के जैसी। और इस कहानी को हमें जिसने भेजा है वो हमारी कहानी की हीर है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये हमारी सीरीज ओल्ड मेमोरी की अगली कहानी है। इसी तरह पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जियस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है दलीम की। इस कहानी को जिसने हमें भेजा है उनका और उनके रांझे के नाम को मिलाकर ये नाम बनाया है, क्योंकि हमारी हीर का नाम और पता गुप्त रखा गया है। हीर और उनकी फैमिली जयपुर में रहते थे, लेकिन फिलहाल उनके पास उनका खुद का घर नहीं था, तो उन्हें जयपुर में ही किराए पर रहना पड़ रहा था। ये बात है 2018 की, जब हीर अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में शिफ्ट हुई। घर अच्छा था और घर के जो मालिक थे वो भी साथ में ही रहते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे थे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिस नाम का यूज हम तलीम कर रहे हैं वो असल में दो नामों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें एक नाम हमारी कहानी की हीर और दूसरा नाम उनके रांझे का है। और इस कहानी को हमें हीर की तरफ से रांझे तक पहुंचाना है, तो बस इसे आप कहानी भी समझ सकते हैं और किसी के लिए एक मैसेज भी। जिस घर में हीर अपने परिवार के साथ रह रही थी उस घर में मकान मालिक का भी परिवार साथ रहता था, जिसमें एक लड़का था और ये वही लड़का है जिसका नाम दलीम है। एक ही छत एक ही घर में रहकर भी दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि दोनों का परिवार एक दूसरे में काफ़ी मिलजुल कर रहता था, लेकिन ना कभी हीर ने रांझे से बात की ना कभी रांझे ने हीर से। दोनों किसी एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, जो कहने को तो साथ थे लेकिन हमेशा एक दूसरे से मुंह फेरे रहते। इस कहानी में पहली नज़र वाला प्यार नहीं है, मेरा मतलब प्यार है पर वो पहली नज़र वाला नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत की शुरुआत पहली नज़र से ही हो जाए। और किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी रिश्ते की शुरुआत मन मुटाओ या लड़ाई झगड़े से हो वो रिश्ते बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी कुछ ऐसी ही है। हीर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और अपनी स्टडी के साथ साथ में वो पास ही एक एकेडमी में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। जिस एकेडमी में हीर पढ़ाया करती थी वो उनके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। हीर दिन में अपने कॉलेज और फिर शाम को एकेडमी जाया करती थी। उस वक्त हीर के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, तो वो ऑटो या रिक्शा से ही आया जाया करती थी। एक दिन हीर ऐसे ही एकेडमी जाने के लिए रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उस दिन कोई रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। मम्मी ने कहा कि तुम्हें देर हो रही है तो तुम्हें दलीम एकेडमी छोड़ आएगा। उन्होंने दलीम से कहा तो दलीम ने अपनी स्कूटी निकाली और हीर को उसकी एकेडमी तक छोड़ने के लिए निकल गया। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी जो 3 किलोमीटर तक साथ रही। स्कूटी की स्पीड थोड़ी तेज थी। हीर को डर लग रहा था, लेकिन वो बिना कुछ कहे बस चुपचाप स्कूटी के पीछे बैठी रही। एकेडमी पहुंचकर हीर ने दलीम को थैंक यू बोलना तो चाहा, लेकिन दलीम ने हीर की तरफ बिना देखे बिना रुके वहां से गाड़ी निकाल ली। इस बात ने हीर को बहुत दुखी किया। हीर को बहुत गुस्सा आया कि इस लड़के में इतना कितना घमंड है कि बिना रुके ऐसे ही निकल गया। उस दिन हीर ने मन ही मन में सोच लिया था कि वो इस लड़के से फिर कभी बात नहीं करेगी। आपको याद होगा मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि जिन रिश्तों की शुरुआत तकरार से नाराजगी से हो वो रिश्ते अक्सर बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं, और हमारी हीर और रांझे का सफ़र भी यहाँ से शुरू हो चुका था। अब बस देखना यह है कि ये कहानी कब कैसा मोड़ लेती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अक्सर रात में घर की छत पर अकेले बैठकर पढ़ाई करते हैं, और हीर भी ऐसी ही थी। वो हमेशा रात में अकेले छत पर घूमते घूमते पढ़ाई किया करती थी। एक दिन ऐसे ही हीर छत पर थी तभी वहाँ दलीम आया। उसे भी छत पर घूमकर पढ़ना पसंद। हालांकि इतने दिनों में दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन शायद आज किस्मत को भी कुछ और मंजूर था, इसलिए आज दोनों एक साथ छत पर किताबें हाथ में लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। हीर ने उसे देखकर जैसे ही अपना मुंह फेरा तो उस लड़के ने सामने से चलाकर हीर से बात की, और तब हीर ने बताया कि उस दिन वो थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन तुम वहाँ रुके ही नहीं। तो दलीम ने बताया कि उसका मूड थोड़ा सा खराब था जिस वजह से उसे किसी से बात करने का मन नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती की शुरुआत और दोनों ने बहुत सारी बातें की।
एक दूसरे को अपने बारे में बताया और वहां से दोनों के बीच एक नए रिश्ते ने जन्म लिया। दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। अब धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत सी होने लगी थी और हीर अपने रांझे के मन की बात को, उसके अंदर की मोहब्बत को अच्छे से समझने लगी थी। कुछ वक्त बाद हीर ने सामने से ही दलीम को प्रपोज कर दिया, लेकिन उस वक्त दलीम को लगा कि ये वक्त सही नहीं है, अभी हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए और अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए दलीम ने हीर की मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया और नकारा भी नहीं। कहते हैं ना, जब आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपका जीवन साथी बन जाए तो आपको किसी बात का डर ही नहीं रहता। वो आपके सुख दुख, आपके अच्छे बुरे को हर तरह से समझता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दलीम ने हीर को गाड़ी चलाना सिखाया, उसके मन के डर को निकाला और हीर की जिंदगी का वो सबसे स्पेशल दिन, उसके जन्मदिन पर ताजमहल के सामने उसका केक कटवाया। हीर को एक तोहफा बहुत पसंद था, कुरान शरीफ, और हीर के जन्मदिन पर रांझे ने वही कुरान शरीफ हीर को जन्मदिन के तोहफे में उपहार दी। हीर को भी दलीम की आदत पड़ गई थी। हीर ने उसे अपने दिन भर की सारी बातें बताया करती और दलीम उसे सुना करता था। हीर को दलीम को सब कुछ बताना पसंद था और दलीम को हीर को सुनना पसंद था। हीर की पढ़ाई पूरी हो गई और हीर अपने डॉक्टर की पोस्ट पर एक हॉस्पिटल में ड्यूटी करने लगी। तब हीर ने दलीम से कहा कि अगर तुम्हें डर है तो तुम मेरे भाई से मेरे लिए हाथ मांग लो। तब दलीम ने कहा कि वो बीटेक कर रहा है, इसके बाद वो कोई नौकरी करेगा, उसके बाद वो शादी करेगा। फिर भी हीर के कहने पर उसने हीर के भाई से बात की। न जाने कितनी मोहब्बतें बर्बाद हो गई सिर्फ इस जात पात भेदभाव के चक्कर में। न जाने इन रिवाजों में, इन समाज की बनाई रीतियों ने न जाने कितनी मोहब्बतों का दिल तोड़ दिया। और इनके साथ भी यही हुआ। कास्ट के चलते इनकी शादी के लिए भी मना कर दिया गया। इसी बीच जब हीर डॉक्टर बन गई थी तो उन्होंने भी उसी मोहल्ले में खुद का घर ले लिया था। और खुद का घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसमें रहने की खुशी सबसे अलग होती है। एक तरफ हीर खुश थी कि इतने टाइम बाद हम खुद के घर में रहेंगे, तो वहीं दलीम दुखी था कि अब हम एक साथ एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, ऐसा कि तेरे एक साथ छत पर घूम नहीं पाएंगे। लेकिन दोनों के बीच कमाल की मोहब्बत और गजब का जुनून था। दोनों ने यहाँ हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम जल्दी ही कामयाब होकर अपने पैरों पर खड़े होकर फिर एक बार अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करेंगे और एक दूसरे का साथ उम्र भर निभाएंगे। सच बताऊं तो मेरा भी यही मानना है कि जिंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि जिससे मोहब्बत करो उसे दुनिया के सामने अपना बनाओ। आपकी कामयाबी के आगे, आपके मोहब्बत के आगे लोगों के बनाए ये धर्म जात पात सब छोटे लगे। दलीम के दिए वो सारे तोहफे आज भी ही ने संभाल कर रखे हैं। दोनों आज भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और दोनों फिलहाल अभी अपने अपने करियर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द दोनों फिर से एक बार एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। अगर आप भी किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में पहले उस काबिल बन जाइए कि आप अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड ले सकें और उसे हमेशा खुश रख सकें। हमारी कहानी की हीर और रांझा यानी दलीम की शादी का इन्विटेशन मेरे पास आया तो आप सबको भी बताऊँगा और आप भी मेरी तरह शादी में ज़रूर आइएगा। फिलहाल इस कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जस्ट डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।